हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो अपनी सेकंड प्रॉब्लम है केस बेस्ड एमसीक्यूज़ पे वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहली प्रॉब्लम हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखी थी और उससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज़ प्लस में जो आपके असर्शन रीजन है वो डिस्कस किए थे। आपको लिंक उनकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग, आपको पता है ये किस बेसिस पे है? इसमें पांच क्वेश्चन होंगे जो इस स्टेटमेंट पे बेस है, उनमें से आपको कोई भी चार करके अटेम्प्ट करके आने हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्लाइड इन ए सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन। द स्लाइड वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जो अथॉरिटी है किसी भी सोसाइटी की या किसी भी शहर की, वो एक सिटी पार्क है, वहाँ पे ना एक स्लाइड बनाना चाहती है, इस पर झूले होंगे इस टाइप के आप। ठीक है, तो जो 12 साल से छोटे बच्चों के लिए हैं, तो अथॉरिटी प्रेफर्स द टॉप ऑफ द स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर। और अथॉरिटी ने डिसाइड किया जो इसका टॉप होगा ना वो नीचे से 4 मीटर होना चाहिए। वो तो इसकी हाइट कितनी होगी? 4 मीटर। तो सीढ़ियों की हाइट होगी 4 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और एंगल के साथ सॉरी एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसे हम देखो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो ये हमारा हो गई सीढ़ी है जो हमने बना रखी है। अब ये एंगल तो हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा ए, ये बी और ये सी, और ये हमें दे रखी है 4 मीटर्स। अब पहला देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज़, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा ये है। तो देखो साइन लगेगा सीधा सीधा, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें एक हाइपोटेनियस जो हमें निकालना है वो इंक्लूड हो रहा है, प्लस में एक चीज़ इंक्लूड हो रही है जो हमें पता है। तो साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में 30 के लिए है 4 मीटर्स एंड हाइपोटेनियस हमें नहीं पता तो निकालना है वो। ठीक है, और हाइपोटेनियस इक्वल ए बी के है, और साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू 4/h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 8, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ चुकी है हमारी 8 मीटर्स। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। चलो इसके अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 30 प्लस कोस स्क्वेयर 60 इज़। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू पता है। तो देखो साइन स्क्वेयर 30 डिग्रीज प्लस में कोस स्क्वेयर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2, इसका होल स्क्वेयर करना है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वेयर करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू आपका 4, जैसे हमने एलसीएम लिया तो 1 + 1 2/4 आपका आ चुका है 1/2। तो सिंपल से क्वेश्चन है। देखो आप, यदि आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होती ना तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, 1/2। और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, फिर वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई दे सकते हैं जिसके पास बुक नहीं है। जिसके पास बुक है वो तो बेस्ट है। फिर देखिए, हमें कोस ए की वैल्यू दे रखी है, पूछी गई हमसे 12 कोट स्क्वेयर ए माइनस 2 की वैल्यू। अब देखो कोस ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो जो कोस ऑफ ए है हमारा वो इक्वल है 1/2 के। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यार आपको सिंपल सा पता है कि जो 1/2 है वो किसके इक्वल रहता है, कोस ऑफ 60 डिग्रीज़ के। आप उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सिमिलर सिमिलर आपस में कंपेयर होते हैं, तो कोस ए कोस 60 डिग्री के इक्वल है, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 60 डिग्री के। अब देखिए निकालनी हमें है 12 cot² ए माइनस 2 की वैल्यू। देखिए अब 12 cot² ए माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 60 रखेंगे इसमें, तो ये आ गई 12 cot² 60 डिग्रीज माइनस 2। तो इधर से आपके पास आ जाएगा 12 × cot 60। देखो कोट 60 होता है हमारे पास 1/√3, इसका होल स्क्वेयर है माइनस में 2 है, तो ये हो जाएगा 12/3 माइनस 2। 3 4 जा, तो आपका जो बचा क्या, 4 − 2, तो ये आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं इसमें ना स्टेप वाइज नहीं मतलब प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें देखो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आपको सिंपलेस्ट मेथड आना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा मेथड नहीं करना जो आपका टाइम कंज्यूम करे, आपके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा होना चाहिए। ठीक है,
ताकि आप अपने रीचेकिंग कर सकें। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कोस सी कोस ए इज। अब देखो फिगर हमारी थी यहाँ पे, देखो ये रही, ये तो हमारा 90 डिग्रीज था, तो एंगल ए देखो 90 डिग्री प्लस 30 120, 180 में से 120 माइनस किया तो ये बचा हमारा 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया साइन सी इंटू कोस ए, तो देखो साइन सी मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ ए, साइन सी सी हमारा 90 डिग्री है तो ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोस ए, ए हमारा 60 डिग्री है तो ये हो गया कोस ऑफ 60 डिग्री। साइन 90 होता है हमारा 1, कोस 60 होता है 1/2, तो ये इक्वल आ गया 1/2 के, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट फोर्थ के लिए। ठीक है चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिफ्थ देख लो आप ट्राई कर सकते हो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। अब देखिए यही है हमारे पास, यही सेम फिगर रहेगी ये वाली, ठीक है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी। इन द गिवन फिगर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर ए सी इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू ऑफ बी सी इज। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो ए बी प्लस बी सी ये आपको 25 मीटर्स दे रखी है और ए सी की वैल्यू आपको 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, तो इस केस में हम 5 मीटर मान लेंगे। तो देखो इसके लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गई हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ये सिंपल यहाँ पाइथागोरस लगेगा और आपने सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी ज़रूर किए होंगे, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन में क्या है, इसका और इसका सम दे रखा है आपको 25। मान लो हमें क्या निकालना है, इधर देखो आप बी सी निकालना है हमें, तो बी सी को मानेंगे एक्स, तो बी सी एक्स हमारा, बी सी एक्स है देखो, तो ए बी प्लस एक्स कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ए बी कितना हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, तो ए बी आ गया 25 माइनस एक्स, और ए सी हमें पता है पहले से 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर कर दो भाई, तो जो आपका एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स में होल का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 625 आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स ये आ गया 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 जाएगा LHS में तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि वो माइनस का होगा तो माइनस का 56, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 12 कैंसिल आउट करने पे, एक्स हमारा क्या था बी सी आ गया हमारा 12, तो 12 सेंटीमीटर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियोस में जो इसके अगले चैप्टर हैं उनके सॉल्यूशन वो देखेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है अगेन वही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगा सकते हैं।